नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ प्रभात में। आपके साथ मैं हूं अंशली भंडारी और करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता दें तो बड़ी खबर, क्रिप्टो करेंसी मामले में एसआईटी की छापेमारी। इस वक्त की बड़ी खबर, एसआईटी की छापेमारी, बड़ी कार्रवाई यहां पर अमल में लाई गई है। मामले से जुड़े कई आरोपियों के घर में दबिश दी गई है। तो बड़ी खबर, टीम ने एसआईटी के निशाने पर जिले के अन्य संदिग्ध भी, ये बड़ी खबर बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मुख्य आरोपी अभिषेक दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है क्रिप्टो करेंसी मामले में। मामले से जुड़े कई आरोपियों के घर दबिश दी गई है। क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले में बड़ी कार्रवाई, टीम ने 6 जिलों के 41 अलग अलग स्थान पर दबिश दी है। एसआईटी के निशाने पर जिले के अन्य संदिग्ध, ये बड़ी खबर। क्रिप्टो करेंसी मामले में एसआईटी ने जगह जगह पर छापेमारी की है, ये बड़ी खबर बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो एसआईटी के निशाने पर जिले के अन्य संदिग्ध, ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे दें। रॉबिन संवाददाता हमारे साथ इस बीच शिमला से इस बीच सीधे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रॉबिन, बड़ी कार्रवाई यहां पर एसआईटी टीम द्वारा की गई है यहां पर क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले में। फिलहाल अभी तक जो एसआईटी टीम के हाथ है वो कहां तक पहुंचे हैं? देखिए, बीते कल हिमाचल प्रदेश की ओर पुलिस की ओर से जो एसआईटी गठित की गई थी उसको एक बड़ी सफलता तब मिली जब इसका जो मास्टरमाइंड है अभिषेक, उसको दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया। अब इस मामले में अभी तक कुल 9 लोगों की जो है गिरफ्तारी हो चुकी थी इससे पहले और ये 10 आरोपी अब जो है गिरफ्तार हुआ है। एक बार आप इस मामले को अगर सिलसिला समझे तो तकरीबन 1.5 महीने पहले इस पूरे प्रकरण की जो है पटकर था जो है वो लिखनी शुरू हुई। इसके बाद विधानसभा सत्र के दौरान ये मामला जमकर उठा था। देखिए, 1.5 महीने से ये लगातार मामला पुलिस के पास जांच के लिए था और तभी से जो है मुख्य आरोपी अभिषेक, मास्टरमाइंड जिसे कहा जा रहा है, वो लगातार फरार चल रहा था। ये कभी पुलिस को हर वक्त चकमा दे रहा था और हिमाचल प्रदेश के अलावा जो बाहर के राज्य है वहां घूमता हुआ नजर आ रहा था, जिसके बाद अब इसे दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी तक मैं आपको बताऊं तो जब इसमें 1.5 महीने पहले कार्रवाई शुरू की तो हिमाचल प्रदेश पुलिस की ओर से जो नॉर्दर्न रेंज के DIG है अभिषेक दुल्ला, उनकी निगरानी में जो है एसआईटी के गठन किया गया था, जिसकी जिम्मेदारी बनाई गई थी इस पूरे मामले को लेकर और इससे जुड़ी तफ्तीश को लेकर। अब इस मामले में अभी तक कुल इससे पहले 2 लोगों की गिरफ्तारी गुजरात से हुई थी, जिसमें 2 मुख्य आरोपी बताए जा रहे थे। इसके अलावा इसके बाद 7 अन्य लोगों की गिरफ्तारी हुई और अब ये 9वीं जो 10वीं जो गिरफ्तारी मास्टरमाइंड की वो अभी तक अभिषेक की इस मामले में हुई है। अब इसके अलावा अभी एक और मुख्य आरोपी इस मामले का तुषार जो है वो लगातार जो है फरार चल रहा है। ऐसे में अभी जो है ये जांच लगातार और जारी रहने की उम्मीद है। ये अभी तक इस मामले से जुड़ी हुई गिरफ्तारियों की रिपोर्ट है। अब इस मामले से जुड़ी दूसरी चीजें जो फाइनेंशियल इसमें इन्वॉल्वमेंट है उसकी बात करें तो ये लगातार मामला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बीते दिनों जो DGP है संजय कुंडू हिमाचल प्रदेश, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि इस मामले में अभी तक 2300 करोड़ के आसपास जो है ट्रांजैक्शन हुआ है और 400 करोड़ की जो देनदारियां हैं वो बाकी है। और यही नहीं, इसके अलावा इस फाइनेंशियल ट्रैक के आसपास जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारी और खासतौर पर अधिकारी भी इसमें शामिल है। कई एजेंट के रूप में तो कई जो है ऐसे है जो ठगी का शिकार हुए हैं। इसमें पुलिस के भी कुछ लोग हैं, इसमें कुछ अन्य भी शिक्षक विभाग के भी कुछ लोग हैं। तो निश्चित तौर पर इसका जो पूरा जो जाल है क्रिप्टो ठगी का पूरे प्रदेश में फैला था। इसके अलावा ना केवल प्रदेश में बल्कि इसके तार उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर तक भी देखे जा रहे हैं और वहां भी लगातार जो है ट्रेसिंग हो रही है। बीते कल भी हिमाचल प्रदेश पुलिस की ओर से जो इस मामले को लेकर SIT बनाई गई है उसने 41 जगहों पर जो है छापेमारी की, जिसमें सबसे ज्यादा 25 जगहें हमीरपुर में थी। इसके अलावा मंडी में भी कुछ छापेमारी हुई है, मंडी में भी काफी इलाकों में इस तरह के जो मामले वो देखने को आए थे, चाहे वो शिक्षा से जुड़े विभाग हो, शिक्षक के घर में छापेमारी हुई है, ज्वेलरी से जुड़े कारोबारी के घर में छापेमारी हुई है, जहां से लगातार जो है अभी भी जो है SIT इस मामले से जुड़े हुए दस्तावेजों को खंगालने में इस जुड़े हुए थे, क्योंकि मामला साइबर से जुड़ा हुआ है। ऐसे में लैपटॉप, हार्ड डिस्क, इस तरह की तमाम चीजें जो इस तरीके से जुड़ी हुई है वो भी लगातार खंगाली जा रही है, क्योंकि अभी ये मामला लगातार जांच में है। क्योंकि अभी एक और आरोपी भी बाहर चल रहा है,
ऐसे में अब देखना ये होगा कि आखिर कब तक इस पूरे मामले को जो है समेट पाती है पुलिस, क्योंकि ये लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और जो फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट है वो भी लगातार बढ़ती हुई इसके साथ नजर आ रही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा सरकार के लिए कि आखिर जब इतने बड़ा प्रकरण हिमाचल प्रदेश में हो रहा है तो इसको लेकर अब किस तरह की रणनीति सरकार की ओर से, खासतौर पर पुलिस प्रशासन की ओर से होने चाहिए। और दूसरी तरफ ये भी है कि लोगों को कितना सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह की ठगी का ये मामला है, अब बीते दिनों जो जगत सिंह नेगी है रेवेन्यू मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश के, उन्होंने भी ये बयान दिया था कि कुछ लोग ऐसे भी है जिनको रोड्स और इसके अधिग्रहण के दौरान जो जिनकी जमीनें बिकी थी उससे जो पैसा मिला था वो भी इन लोगों ने जो है क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया। तो अब देखना यह है अगर आप अगर लोग प्रदेश के अपनी जमा पूंजी इसमें लगा रहे हैं तो कितना सतर्क रहने की जरूरत है। लेकिन रॉबिन इसके तार जो हैं वो बाहरी राज्यों से भी जुड़े हुए हैं, ऐसे में जल्द ये खुलासा भी यहाँ पर हो सकता है कि किस तरीके का जो नेटवर्क है ये क्या सिर्फ राज्यों तक ही सीमित है या विदेशों तक भी सीमित है? देखिए बिल्कुल यही दिलचस्प अभी इसमें मोड़ बाकी है, क्योंकि देखिए सबसे पहले जब दो गिरफ्तारियां इसमें हुई थी वो सीधा गुजरात से हुई, इसके बाद इसके तार उत्तर प्रदेश में भी खंगाले गए, वहां से बताया गया कि यहां से भी ये पूरा नेटवर्क चल रहा था। इसके अलावा चंडीगढ़ पंचकुला से भी इसमें एक महिला की गिरफ्तारी हुई है, इसके अलावा इसके तार जम्मू कश्मीर से भी जोड़े गए। तो निश्चित तौर पर इसके तार और अधिक बड़े होने की जो है संभावना है और इसको लेकर लगातार SIT जांच कर रही है। हालांकि आपने जिस तरह से बात कही है कि विदेश में इस तरह की बात, विदेश से इसके तार होने की जो बात कही है उसकी संभावना अभी, हालांकि अब किस तरह से पुलिस इसको लेकर कार्रवाई करती है ये देखना दिलचस्प होगा। और ये जो है ये सब खुलासे के मामले हैं और ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ नई बात होगी, क्योंकि जब से ये पिछले डेढ़ महीने से मामला सामने आया है लगातार इस मामले में ऐसे खुलासे हुए जो चौंकाने वाले रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रॉबिन शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो क्रिप्टो करेंसी मामले में SI टीम की छापेमारी लगातार जारी है, लगातार रेड जो है वो यहां पर की जा रही है, जिसमें दो जगह पर अभी छापेमारी की गई है। करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर, बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता दें, बड़ी और अहम खबर। इस बीच दो दिन के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रहेंगे मुख्यमंत्री, तो CM से मिलने पहुंचे कांग्रेस नेता और MLA, ये बड़ी खबर। पेट में इंफेक्शन के कारण इलाज उनका चल रहा है, बड़ी खबर। दो दिन के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रहेंगे CM, तो CM से मिलने पहुंचे कांग्रेस नेता और MLA, ये बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी। पेट में इंफेक्शन के कारण इलाज चल रहा है एम्स में उनका, दिल्ली एम्स में, तो दो दिन के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रहेंगे CM, ये बड़ी खबर। CM से मिलने पहुंचे हैं कांग्रेस नेता और MLA, ये बड़ी खबर आ रही है। तो पेट में इंफेक्शन के कारण इलाज चल रहा है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का, दो दिन के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रहेंगे CM, ये बड़ी खबर। CM से मिलने पहुंचे हैं कांग्रेस नेता और MLA, तो पेट में इंफेक्शन के चलते दिल्ली एम्स में भर्ती हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, और दो दिन और अंडर ऑब्जर्वेशन डॉक्टर्स की टीम के अंदर वो रहेंगे। और पेट में इंफेक्शन के कारण दरअसल उनका इलाज दिल्ली एम्स में चल रहा है, दो दिन के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रहेंगे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो CM से मिलने पहुंचे कांग्रेस नेता और MLA, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। CM से मिलने पहुंचे हैं कांग्रेस नेता और MLA, फिलहाल अभी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की जो तबीयत है वो स्वस्थ हैं अब, लेकिन दो दिन के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन में रहेंगे डॉक्टर्स की टीम, उनका इलाज यहां पर कर रही है और फिलहाल काफी सुधार उनकी तबीयत में आया है। तो CM से मिलने पहुंचे कांग्रेस नेता और MLA, ये बड़ी खबर। दिल्ली एम्स में भर्ती है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको यहां पर दे रहे हैं। तो महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें, दो दिन के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रहेंगे दिल्ली एम्स में, पेट में इंफेक्शन के कारण उनका इलाज भी चल रहा है, ये बड़ी खबर आपको बता दें।
स्पर्श रमा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, फिलहाल अभी कैसी तबीयत बताई जा रही है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की? देखिए, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की तबीयत में सुधार है और लगातार नजर आए, और इस तरीके से कहें कि जो स्टेबल तबीयत है वो निगरानी लगातार करता हुआ नजर आ रहा था। तमाम टेस्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के जो है देखने को मिलते हुए जो है नजर आ रहे थे। और चूंकि हमने ये भी देखा कि पिछले दिनों वो स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट हो रही थी, तो उसमें स्पर्श टेक्निकल दिक्कत की वजह से आपकी आवाज जो है वो नहीं आ पा रही है। कोशिश करेंगे दोबारा आपसे संपर्क करने की, आपसे जुड़ने की। तो फिलहाल आपको बता दें कि दिल्ली एम्स में भर्ती हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, पेट में दर्द की शिकायत, और बता दें आपको उसके चलते उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती करवाया गया था और डॉक्टर्स की टीम लगातार उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दिए हुए हैं। पेट में इन्फेक्शन डॉक्टर्स ने बताया था, दो दिन के और अंडर ऑब्जर्वेशन में उन्हें रखा जाएगा। सीएम से मिलने पहुंचे कांग्रेस नेता और एमएलए। ये बड़ी खबर आपको बता दें, पेट में इन्फेक्शन के कारण उनका इलाज दिल्ली एम्स में चल रहा है, दो दिन के लिए और अंडर ऑब्जर्वेशन रहेंगे सीएम। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर की ओर, रुक करेंगे, बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता दें। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, आज हिमाचल में लगेंगी इंतकाल अदालतें। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 10 से 15 साल पुराने मामलों का जो निपटारा है वो यहां पर किया जाएगा, म्यूटेशन वेरिफिकेशन मामलों का निपटारा यहां पर किया जाएगा। सीएम सुक्खू के निर्देश पर यह आयोजन हो रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, आज हिमाचल में लगेंगी इंतकाल अदालतें। तो बड़ी जानकारी, 10 से 15 साल पुराने मामलों का निपटारा जो है वो यहां पर किया जाएगा आज और कल। ये अदालतें लगेंगी म्यूटेशन वेरिफिकेशन के लिए, तो सीएम सुक्खू के निर्देश पर यह आयोजन हो रहा है, इस वक्त की बड़ी खबर। टीम में देरी जरूर हुई है, परंतु हम अपने वादों को भूले नहीं है। मोदी जी का 10 साल का समय पूरा होने जा रहा है, परंतु वो 15 लाख के जुमले भूल गए। उन्होंने तो जुमले ही बोल दिया, हमने अभी तक नहीं कहा। जो भी हमने गारंटियां दी है उसको पूरा करने का वादा किया और पूरा भी कर रहे हैं। हमने कोई जुमलेबाजी नहीं की है, जिस तरह से बीजेपी ने जुमलेबाजी की है। 2 करोड़ जो है नौकरियों का जुमलेबाजी हो गया, 15 लाख हरेक को देने का जुमलेबाजी हो गया, और किसानों की आय 2022 तक डबल करने की बात थी, कहां भूल गए। ये अपने तो वादे सारे भूल गए। तो ये और हिमाचल ब्यूरो चीफ विकास हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, इंतकाल अदालतों का आयोजन हो रहा है आज और कल? बिल्कुल, देखिए, और जिस तरह से सत्ता परिवर्तन हुआ हिमाचल प्रदेश में, और उसके बाद अब तक आप ये मान के चलिए कि 10 महीने के करीब ये वक्त हो चुका है, और उसके बाद राज्य सरकार ये चाहती है कि जो एक तरफ जहां गारंटियों के ऊपर जो गारंटियां देकर जो है सत्ता हासिल की है कांग्रेस ने, उन गारंटियों के ऊपर काम किया जाए, वही दूसरी तरफ जो इंतकाल अदालतें हैं। देखिए, ये मसला बहुत पुराना है, 10 से 15 साल पुराने ऐसे कई मसले हैं जो जिनमें म्यूटेशन की अगर बात हो या फिर और जो राजस्व विभाग से जुड़े कई ऐसे मसले हैं। नहीं, लोग पैसा खरीद कर जमीन तो हासिल करते हैं, लेकिन उसके मालिकाना हक जो है वो उनको नहीं मिल पाता, चाहे वो निशानदेही के मामले हों, कानून को जो मसले निपटाता है, या फिर पटवारी जो मसले निपटाता है। ये तमाम जो चीजें हैं वो रह जाती हैं, और कहीं ना कहीं अब सालों बीत जाने के बाद भी कई ऐसे लोग हैं जो अभी तक इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि उनको मालिकाना हक जो है वो जो जिसकी एवज में यानी जो पैसा जो खर्च किया है उसको देने के बाद भी उसके मालिक जो है वो जमीन के नहीं बन पा रहे। तो यही एक बड़ी वजह है, और ये आज का कोई नया जो ये मामला है वो नहीं है कि इस तरह से अदालतें लगाई जा रही। इससे पहले भी देखिए, पूर्व की सरकार की अगर बात करें तो जनमंच एक बड़ा आयोजन जिसे कहा गया पूर्व की जयराम सरकार की तरफ से कि ये फ्लैगशिप कार्यक्रम है। कई ऐसे जनमंच जो है वो आयोजित किए गए
और अभी मैं देख रहा था कि कुछ पुराने जो डेटा है 2017 से लेकर 2019 के बीच में ही करीब करीब 90 से ज्यादा जो ऐसी जनमंच जो आयोजन है उसके किए गए, करोड़ों रुपए उस पर खर्च किए गए। विधानसभा में भी मसले उठे, कई ऐसे विपक्षी दल थे जिन्होंने ये बात उठाई और विपक्षी जो विधायक थे उन्होंने ये बात विधानसभा के भीतर भी उठाई, लेकिन जो हल है इस चीज का पैसे खर्च करने के बाद भी सरकार अभी तक नहीं निकाल पाई, सरकारें अभी तक नहीं निकाल पाई। इससे पहले की अगर मैं बात करूं तो जो पूर्व की वीरभद्र सरकार थी उस समय में भी जनता के द्वार एक कार्यक्रम, यानी प्रशासन जनता के द्वार एक कार्यक्रम जो है वो चलाया गया था। उसमें भी ये सरकार का दावा था कि जो ऐसे कोई काम जो कि रह जाते हैं, चाहे वो नगर निगम के तौर पर अगर देखने वाले कुछ ऐसे मसले हों, कानून को या तहसील या उप तहसील के ऐसे कई मामले हैं, राजस्व विभाग से जुड़े ऐसे कई मसले हैं जो जिनका समाधान यहाँ पर नहीं निकल पा रहा है, तो इस तरह के आयोजन करने के बाद वो उनका समाधान निकले ये कोशिश राज्य सरकारों की रही, लेकिन सरकारें इस पर लगातार फेल होती नजर आई और दावे तो बहुत किए गए लेकिन धरातल पर वो दावे जो है वो नहीं दिखाई दिए। लेकिन इस बार जिस तरह से ये आयोजन किया जा रहा है इंतकाल अदालतों का, आज और कल दो दिन ऐसे रखे गए हैं जिसमें तीन तरीके से, देखिए सबसे पहले जो तहसील है वहां पर जाकर देखा जा सकता है अपने कामकाज जो है आज उसका निपटारा किया जा सकता है, उप तहसील स्तर पर यही नहीं बंदोबस्त सर्कल स्तर है उसके ऊपर भी जाकर ये काम किए जा सकते हैं, और दो दिन है और ये कहा जा रहा है कि 22,000 से ज्यादा ऐसे मामले हैं जो अभी तक लटके हुए हैं जिनका निपटारा नहीं हो पाया। आज और कल दो दिन लगाकर राज्य सरकार दावा कर रही है कि काफी हद तक इन तमाम मसलों के ऊपर जो है वो उनको हल करने की कोशिश की जाएगी। म्यूटेशन के ऐसे मामले, इंतकाल के ऐसे मामले, निशानदेही के, यानी कि जो ऐसे मामले जो लटके हुए हैं उनको जो है वो यहाँ पर निपटाया जाएगा, इस तरह का दावा किया जाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विकास शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। उधर आपको बता दें कि दरअसल कुल्लू में संगठनों ने दशहरे में विजय यात्रा का आयोजन किया गया और यात्रा राम श्रीला से होते हुए ढालपुर तक पहुंची और भगवान श्री राम के नारों से पूरा ढालपुर गूंज उठा। वहीं यात्रा में विभिन्न स्वर्ण संगठनों के पदाधिकारियों ने भी भाग लिया और प्रदेश सरकार से मांग रखी कि सरकार ने जो स्वर्ण आयोग का गठन का वादा किया गया है वे जल्द पूरा किया जाए। हिमाचल प्रदेश में एक अलख जगाने का कार्य कर रहे हैं जिसमें पूरे सभी संगठन एक होकर गैर राजनीतिक रूप से हम लोग कार्य करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि जो सनातन धर्म को आज बदनाम कर रहे हैं, बहुत सारे राजनीतिक दल है जो सनातन धर्म की आड़ में और सनातन धर्म को बदनाम करते हुए सनातन धर्म को एक चुनावी नुमा हथियार बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कि यदि सनातन धर्म की इन लोगों को इतनी परवाह होती तो वह सनातन धर्म के नाम पर जो हमारे मंदिरों में व्यवस्था है, हमारे देवी देवताओं के साथ जिस प्रकार के अपमान होता दिख रहा है वो शर्मनाक है, जिसकी हम पूरे संगठन इसकी निंदा करते हैं। उधर बीडीएस सदस्यों का एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर घुमारवी में आयोजित किया गया। शिविर में विशेष रूप से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पहुंचे और जनप्रतिनिधियों के शिविर का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने केंद्र सरकार की चलाई जा रही गरीबी कल्याण की योजनाओं के साथ साथ केंद्र सरकार की अन्य योजनाओं की जानकारी भी जनप्रतिनिधियों को दी। गोबर खरीदेंगे, कांग्रेस भी फेल और उनकी गारंटियां भी, और इसका खामियाजा इनको बाकी राज्यों में भुगतना पड़ेगा। हिमाचल की लाखों बहनें इंतजार कर रही कब खाते में 1500 रुपये महीना आएगा, 10 महीने बीत गए 10 पैसे भी नहीं आए। बिजली के बिल माफ हमने किए थे, इन्होंने तो वापस बिजली के बिल भेज दिए। इन्होंने कहा था हम बिजली माफ करेंगे, दुगने बिल आ रहे हैं। पानी जिसके बिल आने बंद हो गए थे, इन्होंने बिजली के साथ साथ पानी के बिल भी भेजने शुरू कर दिए। इन्होंने कहा था 2 रुपये किलो गोबर खरीदेंगे, किसी का नहीं खरीदा। यहाँ 10 महीने में नहीं किया और अब बाकी राज्यों में कहते हैं हिमाचल जैसी गारंटियाँ हम यहाँ पर देंगे। तो मैं राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना के सभी भाई और बहनों से कहना चाहता हूँ, ये कांग्रेस की झूठी गारंटियाँ हैं, ये हिमाचल में भी फेल है, कर्नाटक में भी फेल है। हम लोग चुने हुए प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण करवाते हैं, चाहे वो विधायक हों, सांसद हों, और पंचायती राज को और सशक्त करने के लिए
ताकि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि अपने काम को और ताकत के साथ कर सकें, विकास कर सकें। और मोदी जी का संदेश जो है कि गांव गांव तक हमने विकास की गंगा बहानी, उसको हम लगातार कर रहे हैं। हिमाचल में उधर आपको बता दें कि नाहन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्थापना दिवस मनाया गया और इस मौके पर संघ ने सर्वप्रथम हिंदू आश्रम नाहन में शस्त्र पूजा की और शहर में पथ संचालन किया। 1925 से लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्थापना दिवस मनाता आ रहा है। वहीं आपको बता दें कि गिरिपार क्षेत्र के लोगों की पोंटर लोक निर्माण विश्राम गृह में एक बैठक हुई, जिसमें 144 पंचायत का प्रतिनिधि मंडल हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में सीएम से मिलेगा और क्षेत्र में जनजातीय दर्ज की मांग का भी पूरा करने की यहां पर मांग करेंगे। बढ़ेंगे आगे। उधर आपको बता दें कि नालागढ़ पुलिस ने अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई की है। थाना प्रभारी अनिल कुमार की अगुवाई में दरअसल एक टीम गठित की गई है, जिसके चलते पुलिस टीम बीती रात पूरी गश्त की और पुलिस ने अलग अलग जगहों से अवैध खनन कर रहे 5 वाहनों को कब्जे में लिया है और पुलिस वाहन मालिकों को यहाँ पर जुर्माना लगाया गया है। पुलिस की इस लगातार हो रही कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में भी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।